बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र योजना है उसके अनुसार अपनी 10th क्लास की गणित का आज ये कंटेंट होने वाला है, जो कि आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपके लिए डाला हुआ है। ज्ञान बोध वाला जो होगा, ज्ञान का जो अंक भार होगा 20 होगा, अवबोध वाला 21 होगा, ज्ञान उपयोग जो होगा वो 19 अंक भार का होगा, कौशल मौलिकता से संबंधित जो अंक भार होने वाला है वो 20 नंबर का होने वाला, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो हम कोशिश करें कि अधिकतम मार्क्स लें। अब प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आप देख पा रहे हो कि वो 15 आएंगे, वस्तुनिष्ठ एबस ऐद वाले, रिक्त स्थान वाले आपके 7 प्रश्न आएंगे और अति लघु उत्तरात्मक 10 प्रश्न आपके होंगे पेपर में, और लघु उत्तरात्मक होंगे 12 और दीर्घ उत्तरीय होंगे 4 और निबंधात्मक प्रश्न होंगे 3। अब जो आपका जो चैप्टर है, आपकी प्रश्नावली है, उसमें से कौन सी प्रश्नावली सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग वाली है? तो आपकी है सांख्यिकी, जो कि वैसे भी आपके विषय क्रम में जो विषय वस्तु है, टॉपिक है, उसमें आपके 13 नंबर में है, 13 मार्क्स आपके ये कवर करेगी। उसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट है वो है त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति। बाकी जो आपकी प्रश्नावली है वो 4, 5 और 6 नंबर की हैं, वो आप देख पा रहे हैं। आपका बनाया हुआ है नोट्स है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का, लास्ट में आपके 2 मॉडल पेपर मिलेंगे, लास्ट में जो ये नोट्स हम कर लेंगे उसके बाद 2 मॉडल पेपर करेंगे मैथ के, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत होगा। पूरे ध्यान से आप समझने की कोशिश करें। पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्याएं, और इस चैप्टर से आपके निबंधात्मक यानी बड़ा प्रश्न है वो नहीं आएगा, आपके आएंगे 1-1 नंबर वाले और एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है आपको ध्यान ही है, जो कि पी बटा क्यू के रूप में दर्शाई जाती है, और जहाँ पी और क्यू है वो पूर्णांक संख्या होती है, क्यू बराबर 0 नहीं होता, वो संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्या, जिनका उदाहरण आप देख पा रहे हैं, ये उदाहरण होता है इनका। अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्या की एकदम उल्टी होती है, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती, इनका उदाहरण ये आप देख पा रहे हैं। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती, वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाती है, उदाहरण इस प्रकार से है। तो महत्वपूर्ण इस तथ्य इस चैप्टर से आपके तथ्य हैं और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं वो है कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग जब हम करते हैं या उनका उनको घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है, अपरिमेय संख्या। और एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जब गुणनफल करते हैं, गुणा करते हैं और या भाग देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। यदि 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं या भाग दें या गुणा करें तो परिमेय या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अंकगणित की आधारभूत जो परिमेय हैं उनमें आप देख पा रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों के LCM और HCM कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए LCM दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM हो तो किस प्रकार से हमें महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। दी गई संख्याओं का HCF किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता, दी गई संख्याओं का LCM है वो किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, दो सहभाज्य संख्याओं का HCF होता है, दो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें दो संख्याएं हैं उनका
306 और 657 का HCF, दो संख्या ये होगी और इनका HCF क्या निकला, 9 हुआ। तो LCM ज्ञात करना है, तो कैसे LCM ज्ञात करेंगे, HCF गुणा LCM दोनों को गुणा करेंगे, भाग किसका देंगे, 9 का देंगे। तो ये सूत्र होता है, इसमें से इस प्रकार से हम LCM निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे, ये उदाहरण दिया हुआ है। पहले क्या निकालेंगे, 6 का, फिर 72 का, फिर 120 का, फिर इनको गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें HCF है वो प्राप्त हो जाएगा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस प्रश्नावली में बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन दिए हुए होंगे आपके सामने, तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, 121 का अंडर रूट, 2 माइनस अंडर रूट 3 है, तो ये संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई जो होती है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है और वास्तविक संख्या भी होती है, तो 2 और 3 दोनों होती है, दो संख्याओं का मैसअप है 15 और लेसअप है 105 है। यदि इनमें से एक 5 है तो दूसरा जो है वो ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एक संख्या तो है 5, दूसरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, वो ऊपर हमने सूत्र देखा था, 315 आ जाएगा इनका, जैसे ही हम हल करेंगे। निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय संख्या कौन सी है, 2। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी, तो ये जब निकालेंगे तो 4 आएगा, ये इस प्रकार से इसमें प्रश्न होंगे। अब हम निकालने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको हल करना है और अपना जो आंसर है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सेलेक्ट करना है वो आप देख सकते हैं। जैसे 144 और 198 दिया हुआ है, तो महत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो उस सूत्र के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना है, तो 510 का इस प्रकार से पहले इनको टुकड़ों में बांट लेंगे, 92 को पहले टुकड़ों में बांट लेंगे, फिर HCF ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद ज्ञात कर लेंगे LCM। दो संख्या, ये संख्या ही 90 और 144, इसका LCM है वो 720 है। एक तो हमें निकाल के दे दिया, कौन सा निकाल दिया, LCM। HCF हमें ज्ञात करना है, तो LCM गुणा HCF, जब एक निकाला हो तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग इस सूत्र को सेट करके हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं, 90 को 144 से गुणा कर देंगे और 720 का भाग दे देंगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा, HCF। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 है वह अपरिमेय संख्या है, तो इस प्रकार से हमें इसे सिद्ध करना होगा। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 है वो एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए इस प्रकार से हमें सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना होगा। इस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, ये बात हमने पहले ही कर ली। अब नेक्स्ट जो प्रश्नावली है वह बहुपद, और बहुपद में भी आपके निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, छोटे प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। तो बहुपद है वो क्या होता है, तो ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें उपस्थित चर राशि की घात है वो एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाते हैं, तथा चर राशि की जो उच्चतम घात है वह बहुपद की घात होती है। इस प्रकार से आप इसको देख पा रहे हैं, रैखिक बहुपद जिसमें चर राशि की जो घात है वो एक ही हो, तो उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। ये पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद में चर राशि की घात कितनी होती है, 1। एक्स चर राशि के जो रैखिक बहुपद है उसको इस प्रकार से दिखाएंगे, द्विघात बहुपद है उसमें चर राशि की घात है वो 2 होती है, द्वि मतलब 2, रैखिक मतलब 1। त्रिघात जो बहुपद है उसमें घात है वो 3 हो जाएगी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उनको देखेंगे हम। ये जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि रैखिक बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी को शून्य के बराबर रखकर शून्य का ज्ञात करना है, शून्य का ज्ञात किया जा सकता है, इसको पी गुणा एक्स
या इसको ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसका जो निशान है वो गुणा का है। द्विघात बहुपद में शून्यक ज्ञात करने के लिए अलग अलग शून्यक के बराबर मान रख कर ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख लें, इससे बनने वाले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो निम्न में से बहुपद क्या है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बहुपद क्या है। तो तीन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस चार है, ये बहुपद हो गया क्योंकि इसकी घात क्या है, दो। निम्न में से रेखीय बहुपद है, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात। निम्न में से रेखीय बहुपद कौन सा है, तो रेखीय कौन सा हुआ, चार एक्स माइनस एक। इसमें को एक घात क्या है, कोई घात नहीं है, इसका मतलब एक घात है। निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है, तो द्विघात वाला देख लें, एक्स टू एक्स स्क्वायर यहाँ दो है, बहुपद पी एक्स चार एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस सात एक्स माइनस एक्स की घात तीन की घात क्या है, बहुपद, इसमें क्या है, तीन। तो इस प्रश्नावली से इस प्रकार से बनेंगे, इनको आप देख लें एक बार। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, उनको देख लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे भी आपके निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, एक एक मार्क्स वाले प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न आएगा और दो नंबर का आएगा। रैखिक समीकरण हम कौन सा होता है, ऐसा समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात है वो एक हो, तो रैखिक समीकरण कहलाएगा। दो चर वाले में, दो चर वाले में रेखीय घात घात है वो एक एक हो, इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे हम। तीन एक्स प्लस दो वाई बराबर ग्यारह को संतुष्ट करने वाला जो युग्म है वो कौन सा है, तो वो होगा जब हम इसको हल करेंगे तो एक और चार। निम्न रेखिक समीकरण युग्म के जो हल हैं वो कौन से हैं, तो x बराबर 9 और y बराबर 5। एक रेखिक समीकरण की घात कितनी होती है, तो एक रेखिक समीकरण बहुत ही सरल प्रश्न है, एक रेखिक समीकरण की घात एक होगी। दो रेखिक समीकरण में आलेख प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं तब रेखिक युग्म कैसा होगा, द्वितीय हल। दो रेखिक समीकरणों के आरेख समांतर रेखाएं हैं तब रेखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, उसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि ऊपर हमने एक सारणी देखी थी उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न होंगे आपके। अब दो रेखाओं का अंतर है वो 26 है और एक रेखा दूसरी रेखा से तीन गुनी है, तो ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाएं x और y हैं, एक रेखा x है दूसरी y है, दो रेखाएं हो गई x और y, तो x माइनस y बराबर कितनी होगी, 26, क्योंकि ये कह रहा है अंतर 26 है, तो अंतर कितना हुआ, 26, x माइनस y बराबर 26। प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 3y, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, तीन गुनी है, संख्या x है उसकी तीन गुनी है y, तो इसको आप सेट कर लेंगे। समीकरण दो से x का मान समीकरण एक में रख देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 26, 2y बराबर 26, फिर दो का भाग 26 में देंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 13। इसी प्रकार से x का मान हो जाएगा, x जो है वो एक है तो y 3 था, तो 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा 13 बराबर 39, अतः दो संख्याएं हैं वो 39 और 13 हो गए। अब दो संपूरक कोण हैं उनको कर लेंगे। अब अपना है द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली है,
इस प्रश्नावली से हमें 4 अंक का निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसमें हम छोटे प्रश्न हल नहीं करेंगे, सीधा हम निबंधात्मक प्रश्नों को हल करके अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करेंगे। तो द्विघात समीकरण को आपका पता ही है जिसकी घात 2, तो इसको थोड़ा सा आप देख लें कि द्विघात समीकरण किस प्रकार से होते हैं। तो प्रश्न हल करेंगे हम, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है वो 306 है, तो पूर्णांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक हैं वो 1x है, तो एक दूसरा हो गया x+1, तो x+1 बराबर 306, तो x की स्क्वायर, इस x को इस x को गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर होगी, प्लस x इस x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया 306, 306 को 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर हो गया 0, क्योंकि 306 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा। अब हम गुणा कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसको हम क्या कर लेंगे, टुकड़ों में तोड़ लेंगे, एक्स प्लस 18 माइनस 17 एक्स प्लस 18 बराबर 0, तो x प्लस 18 और x माइनस 17 बराबर क्या हुआ 0, x प्लस 18 बराबर 0, x बराबर माइनस 18 यानी ऋणात्मक पूर्णांक हुआ, तो x बराबर माइनस 17 और x बराबर प्लस का 17, तो x प्लस 1 बराबर 17 और 17 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 18। इसमें इस प्रकार से भी प्रश्न होंगे, 13 मीटर व्यास वाला एक वर्ताकार पार्क है, उसकी परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा गाड़ दिया गया और इस पार्क के एक व्यास के दोनों बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी के खंभे की दूरी का जो अंतर है वो 7 मीटर है, तो क्या संभव है यदि दोनों फाटकों में कितनी दूरियां का खंभा गाड़ा है। तो इस प्रकार से हमें इसको बनाना है, पूरी से हल करना है। अब हम देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज का प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज यानी जिसकी एक भुजा है वो कितनी है 90 डिग्री, जिसका एक कोण है वो कितना है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसकी जो ऊंचाई है ये वाली ऊंचाई है ये आधार से 7 है वो कम है -7, यदि कर्ण है सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी, तो इसके लिए सूत्र हम BC बराबर x, AB बराबर, BC कौन सी हुई ये वाली, AB कौन सी हुई ये वाली ऊंचाई, तो AB बराबर हो गया x माइनस 7, AC बराबर हो गया 13। अब इसका सूत्र जो कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है त्रिभुज ABC, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, ये सूत्र रखेंगे, AC बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर रखेंगे, 13 की स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ क्या है कर्ण कितनी है 13 है, 13 की स्क्वायर बराबर सूत्र को सेट कर देंगे, तो इस प्रकार से हमें इसका जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। समांतर श्रेणी की जो प्रश्नावली है अपनी उससे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 2 और एक आएगा रिक्त स्थान वाला और एक प्रश्न अपने आएगा दीर्घोत्तरीय 3 नंबर वाला। तो समांतर श्रेणी क्या होती है आपको पता ही, तो एक ऐसा क्रम है जिसमें पहला पद तथा प्रत्येक पद अगले से ठीक पहले पद में एक अचर संख्या d जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न होंगे जो जोड़ने से प्राप्त होंगे, डी को सार व अंतर यानी अंतर मानते हैं जो कि धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यदि AP का पहला पद A सर्व अंतर D हो तो AP बराबर क्या होगा व्यापक रूप में क्या प्राप्त होगा, इस प्रकार से हमें प्राप्त होगा, ये हमारे लिए सूत्र होगा निकालने के लिए। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इन प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न दिया हुआ है AP बराबर क्या है 5, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो जो पद और सार्व अंतर क्या है
ये पूछा गया है। तो सार्व अंतर क्या है? तीन है, तीन का अंतर आ रहा है, और प्रथम पद इसमें क्या है? पांच है। ये बड़ा ही सरल प्रश्न है, लेकिन थोड़ी सी समझ का अपने को उपयोग करना है। एपी प्रथम पद लिखिए, जबकि प्रथम पद 10 और सार्व अंतर 10 से हो। तो पहला पद हो जाएगा 10, और फिर उसमें 10 10 जोड़ते हुए एपी क्या है? 3, 8 और 13, तो इसमें अंतर कितना हुआ? सार्व अंतर। 20वां पद दिखाया गया है, यहाँ 20वां पद ज्ञात करना है। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र क्या होगा अपना? 1-n-1d, ये सूत्र लगाएंगे। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करके अपना अभ्यास है वो मजबूत कर लेंगे। लास्ट में हमारे पास होगा वो प्रश्न मॉडल पेपर के होंगे 2, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिभुज वाले की जो प्रश्नावली अपनी त्रिभुज की, उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अति लघुत्रात्मक होंगे और लघुत्रात्मक होंगे। यहाँ आपने निबंधात्मक प्रश्न नहीं होगा। तो किस प्रकार के जो त्रिभुज हैं वो समरूप होंगे? तो समबाहु त्रिभुज है वो समरूप होती है। इन फैक्ट को थोड़ा सा आप देख लें। त्रिभुजों की समरूपता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? AAA SSS। ए का मतलब कोण, एस का मतलब भुजा, और SAS का मतलब भुजा कोण भुजा। दो बहुभुज समरूप होंगे कब? जब संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समानुपाती हों। त्रिभुज की समरूपता के जो प्रतिबंध हैं वो लिखिए। तो त्रिभुज की समरूपता को हम सिद्ध करेंगे तो संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं हो, समानुपाती हो, ये दो हमारे लिए उपयोग करके हम सिद्ध करेंगे एक समरूपता वाला। निर्देशांक ज्यामिति, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली, अपनी 7 मार्क्स यहाँ से ये प्रश्नावली दिलवाएगी। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो ज्ञात करने, 0 0 मूल बिंदु जो मुख्य जो केंद्र होता है वहाँ के जो निर्देशांक होते हैं वो कौन से होते हैं? 0 0 होते हैं। सरल प्रश्न है। तो निर्देशांक -1 और प्लस के 1 में भुज और कोटि का मान बताना है। भुज कौन सी होगी? 1, जो कि माइनस का है, और कोटि कौन सी हो जाएगी? दूसरी, जो कि प्लस की है। ये भी सरल है, प्रश्नावली को थोड़ा सा ध्यान से देखना है और 7 नंबर हैं वो हमारे कवर करने हैं। यदि बिंदु K2 तथा 3 और 4 के बीच की दूरी 8 का अंडर रूट हो तो K का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए K बराबर तो हो गया 5 और 1, तो इसके लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और उसको हल करना पड़ेगा। तो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो प्रश्न है उनको आप देख लें। त्रिकोणमिति का परिचय, और ये जो प्रश्नावली है ये हमें 8 मार्क्स के प्रश्न हमारे पेपर में देखने को मिलेंगे इस प्रश्नावली से। निबंधात्मक प्रश्न होगा वो एक होगा यहाँ से, त्रिकोणमिति वाला। तो इसमें लंब, आधार और कर्ण, कोस, सेक, थीटा, ये सब सूत्र हमें याद होंगे। इनका मान अगर याद होगा, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इनके मान याद होंगे तो हम इसे आसानी से कर लेंगे। तो इस टेबल को आप याद कर लें, कोट सेक और कोट सेक थीटा, इसको भी याद कर लें। फिर इनका मान रखते हुए आपको हल करना है। टेन 45 और कोट 45 का मान ज्ञात करना है।
तो इसका दोनों का जब हम मान रखेंगे तो हमारे सामने दो प्राप्त होगा, एक प्लस एक कोण टेन 45 का मान एक होता है और कोट 45 का मान भी एक होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, दो प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हमें निबंधात्मक प्रश्न भी देखने को मिलेगा, तो इस प्रश्न को हल करें, अभ्यास करें। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इस चैप्टर से निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, 5 मार्क्स ये प्रश्नावली हमें दिलाएगी। तो ऊंचाई, छाया, सूर्य का उन्नयन कोण, वृद्धि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की जो परछाई है उसके लंबाई में क्या परिवर्तन होगा, तो परछाई की लंबाई कम होती जाएगी। एक चिमनी के आधार से 50 मीटर की दूरी है, उसके शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये चिमनी है और इसकी दूरी कितनी है आधार से 50 मीटर, तो इस उत्तर रखते हुए हमें हल करना पड़ेगा। वृत्त से संबंधित जो अपनी प्रश्नावली होगी ये 6 मार्क्स वाली होगी और इसमें से भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय जो कि 3 नंबर वाला होगा। तो एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसमें स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी, एक। एक वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से, बाहर से कोई एक बिंदु है और वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, तो ये होंगी 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं, तो ये होंगे अनंत। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। प्रश्न को हल करने वाले प्रश्न भी होंगे आपके सामने और इस चैप्टर से 3 नंबर वाला प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो उसको सिद्ध करने में पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ये रेखाएं समांतर होती हैं या नहीं होती ये बताना पड़ेगा। केंद्र क्या है इसका, ओ है और व्यास ए बी है, ये व्यास है, तो स्पर्श रेखाएं अक्ष वाई और पी क्यू खींची गई, तो इनको सिद्ध करना है कि ये समांतर हैं या नहीं है। चित्र में ओ एक केंद्र है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है और पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि जो ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं, ये सिद्ध करना है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित जो अपनी प्रश्नावली है वो 5 अंक भार वाली होगी और इससे भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएगा, छोटे प्रश्न आएंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, अर्धवृत्त का परिधि परिमाप होगा तो वो होगा πr प्लस 2r और वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का होगा तो 1/2 लगा देंगे πr स्क्वायर के साथ, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है और इसको जब हम तोड़ते हैं भाग देते हैं 7 का 22 में तो 3.14 प्राप्त होता है। आर वृत्त की होती है त्रिज्या, तो वृत्त का जो त्रिज्यीय खंड है वो आप देख पा रहे हैं कि ये होता है लघु त्रिज्यीय खंड, ये वाला भाग होता है, कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इससे बनने वाले फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। लघु चाप की जो डिग्री है वो 180 डिग्री से कम होती है और दीर्घ चाप की 180 से ज़्यादा होती है। वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश का जो कोण होता है उसका मान 90 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र पर बने कोणों की डिग्री का जो मान होता है वो होता है 360।
घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट 6 सेकंड का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड का कोण बनाती है घड़ी की सुई? 6 सेकंड का। पाई एक अपरिमेय संख्या है। त्रिज्या आर वाले वृत्त, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो उसकी त्रिज्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। इस प्रकार के रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आएंगे हमारे। वृत्त के अनुदिश एक पूरे चक्र में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। और वृत्त की जीवा को 2 भागों में विभाजित करती है, इनमें से प्रत्येक भाग को वृत्त खंड कहते हैं। और वृत्त के केंद्र पे बने कोण को समकोण के बराबर होते हैं 4। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि वृत्त की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, कोण AOB कितना हुआ 120 डिग्री, पाई का मान क्या है 22/7। एक वर्गाकार रुमाल 9 वर्ताकार डिजाइन बने, इनमें से प्रत्येक की 7 सेंटीमीटर रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले जो प्रश्न होंगे वो 6 मार्क्स के होंगे, और ये भी निबंधात्मक प्रश्न यहाँ नहीं होगा, छोटे प्रश्न ही होंगे। घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये सूत्र याद कर लें। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 2 गुणा ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई से गुणा करते हैं। घनाभ का आधार क्षेत्रफल हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई सिर्फ, और घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना हो तो लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर को अंडर रूट निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल है तो 6 गुना भुजा की स्क्वायर, सरल है। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो 4 गुना भुजा की स्क्वायर। घन का आधार क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। घन का आयतन भुजा गुना 3। घन के विकर्ण की लंबाई निकालते हैं तो 2 का अंडर रूट गुना भुजा। और जब शंकु का निकालते हैं तो पाई RL और शंकु के आधार का पाई आर स्क्वायर, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई आर प्लस आर प्लस एल, शंकु का आयतन निकालना हो तो 1/3 गुणा पाई आर स्क्वायर h। बेलन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, बेलन का आधार हो तो पाई आर स्क्वायर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2πr को बाहर रखेंगे, r और h को जोड़ देंगे। बेलन का आयतन निकालना हो तो πr² h। गोले का क्षेत्रफल निकालना हो तो 4πr² और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² गोले का अर्धगोला हो तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² गोले का आयतन निकालना हो तो 3/4πr³। अर्धगोला हो उसका आयतन हो तो 2/3 कर देंगे। तो इस चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से होंगे। फिर अपने जो लघु ये होंगे रिक्त स्थान वाले, तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको हल करेंगे सूत्र लगाते हुए। सांख्यिकी जो कि हमारी 13 मार्क्स की होगी, और सांख्यिकी से बनने वाले प्रश्न होंगे वो होंगे ऑब्जेक्टिव भी होंगे, रिक्त स्थान वाले भी होंगे, लघु उत्तरात्मक भी होंगे, और दीर्घ उत्तरात्मक भी होंगे, और निबंधात्मक भी होंगे, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे। तो समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं आपको ध्यान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे, 6, 8 और 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो जब हम इसको हल करेंगे 6 + 8 + 9 + x + 13 और संख्या कितनी है 5, 5 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 10।
एक्स प्लस 36 बटा 5 तो 10 बटा 1, फिर हम निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा 14। वर्ग का अंतराल 24 और 30 का जो वर्ग चिन्ह है वो कैसे निकालेंगे, तो 24 और 30 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और भाग दे देंगे 2 का, तो 54/2 = 27 आ जाएगा अपना। संख्या 1, 2, 3, 4 एन माध्य ज्ञात करना है तो एन प्लस 1/2 का सूत्र लगाते हुए ज्ञात कर लेंगे। आंकड़े ये दिए हुए, इनमें परिसर है वो अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा निकालते हैं। अधिकतम कितना है, 20 है। न्यूनतम कितना है, 2 है। न्यूनतम जो है वो 2 है, तो 20 में से 2 घटा देंगे, 18 प्राप्त हो जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये सूत्र लगाकर। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो ये सूत्र रखेंगे। किसी श्रेणी का सर्वाधिक बारंबारता मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग किस में करते हैं, माध्य ज्ञात करने में करते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य सूत्र क्या होता है, सिग्मा एफ वन एक्स वन बटा सिग्मा एफ वन। इस प्रकार से हमारी बारंबारता बंटन को जब हम निकालते हैं तो x और f कैसे निकालते हैं वो देख लें। एफ एक्स इन दोनों को गुणा करके जैसे माध्य ज्ञात करना है, बारंबारता बंटन हमें दिया हुआ है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे और f और x को गुणा करेंगे तो इस प्रकार से हमारी जो सारणी है वो बनती चली जाएगी। लास्ट में एफ एक्स एफ का मान है वो 19 आ जाएगा और एफ एक्स का मान है वो 63 आ जाएगा। तो एफ एक्स बटा एफ सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये सूत्र यूज करेंगे, 63 में 19 का भाग देंगे तो इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये प्रश्नावली हमारी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि हमारे लिए कितने मार्क्स की है, 13 मार्क्स की, और 13 मार्क्स हमें यहाँ से लेने हैं तो इसका अभ्यास करके हमें इसको मजबूत करना होगा, इस पे हमारी पकड़ है वो मजबूत बनानी होगी। प्रायिकता वाला जो प्रश्न होंगे अपने, प्रायिकता का जो कंटेंट आएगा वो आएंगे 4 मार्क्स के, और इसमें निबंधात्मक नहीं आएंगे, लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक रिक्त स्थान वाले और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होंगे। तो प्रायिकता में हम ये बहुत सरल है, आसान है, बस थोड़ी सी हमें तैयारी की जरूरत है। ईंट के पत्ते हैं वो 13 होते हैं, इसमें ईंट की बेगम प्राप्त करने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, क्योंकि 52 पत्ते होते हैं टोटल, तो 1/52। लाल रंग के बादशाह को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से हम लगाएंगे।